वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत रश्मि नगर स्थित नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर में विगत 31 दिसंबर को कपसेठी निवासी 14 वर्षीय युवक आकाश की जांच उसके परिजन कराने आए थे, जहां सिटी स्कैन कराने के दौरान युवक को इंजेक्शन दिया गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक द्वारा युवक और उनके परिजन को डेड बॉडी देने के बाद घर भेज दिया। घर पर पहुंचने के बाद परिजनों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना की पुलिस शव को लेकर वापस डायग्नोस्टिक सेंटर आई। वहीं स्थानीय कपसेठी पुलिस द्वारा लंका पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस द्वारा परिजनों को पोस्टमार्टम का आश्वासन देने के बाद शव को अपने कब्जे में ले लिया गया, लेकिन 3 दिन तक बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में शव रखा गया और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नोबल स्टार डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक के नाम से लंका थाने पर तहरीर दी है, जिसको लेकर आज बीएचयू के छात्रों द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर शव को रखकर प्रदर्शन करते हुए मांग की गई कि डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक और लंका थाना अध्यक्ष पर हत्या और लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद वे लोग तो लेकर वापस जाएंगे। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की है रिपोर्ट। मैं चंदन सागर हूँ, यहाँ पे बीएचयू में छात्र हूँ। किस तरीके का यहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन? 31 तारीख की बात है, पिछले 31 तारीख की। 31 तारीख को क्या हुआ कि ये बच्चा आकाश 14 साल का बच्चा है, उसके पिताजी लेकर के नोवल स्टार डायग्नोस्टिक में आते हैं एमआरआई जांच करवाने के लिए, और एमआरआई जांच न करके वो बोलता है कि सीटी स्कैन होगा। बोले ठीक है सीटी स्कैन करवा दीजिए। सीटी स्कैन करने के कुछ देर बाद ही 5 से 10 मिनट बाद कोई इंजेक्शन डॉक्टर वहाँ का लगाता है, डॉक्टर उदय भांस उनका नाम, जिनके अंदर में केस था। इंजेक्शन के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद वो डॉक्टर उदय भांस बोलते हैं बच्चे को लेकर के तत्काल घर भागो और इसको जला देना, और कोई बात नहीं सिर्फ घर जाओ और जला देना। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा करें कि जला दें हम घर, कुछ तो बात होगी, जवाब दीजिए इसका। तो बहुत ज़्यादा दबाव बनाए, फिर दो ही लोग थे घर लेके चले गए, कपसेठी लेके चले गए। कपसेठी से इनका बड़ा बेटा फ़ोन किया 112 नंबर पे, वहाँ से पुलिस आई कपसेठी थाना से, वहाँ के इंस्पेक्टर जो थानाध्यक्ष है वो भी आए। फिर वहाँ से बॉडी ले करके थाना यहाँ आते हैं, लंका आते हैं, जो नोवल स्टार सेंटर है वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे लंका थानाध्यक्ष को भी बुलाते हैं, कपसेठी के थानाध्यक्ष और उनके पिताजी। अब डॉक्टर उदय भान सिंह, लंका थानाध्यक्ष, कपसेठी थानाध्यक्ष, ये तीनों लोग आपस में क्या मिली भगत की है इनको ये नहीं पता है। हॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।